सो हाई डियर आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास एंड टूडे वी विल लर्न सम बेसिक टॉपिक्स अबाउट टू ईगर टू विलिंग टू and गोइंग टू मगर इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हमने अब तक जो भी पढ़ा है हम उस पर डिस्कस करेंगे थोड़ी चर्चा करेंगे हमने फर्स्ट डे इज एम आर पढ़ा था कोई भी काम हो रहा है मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग वो आ रही है शी इज़ कमिंग उसके बाद हमने वर्स वर पढ़ा था कोई भी काम हो रहा था या मैं जा रहा था राइट शी वॉज गोइंग वो जा रही थी मैं जा रहा था आई वॉज गोइंग राधा आ रही थी राधा वॉज कमिंग उसके बाद हमने विल भी पढ़ा था कोई भी काम हो रहा होगा वो जा रही होगी शी विल बी गोइंग उसके बाद हमने नेक्स्ट डे पढ़ा था डूडर्स पढ़ा था डूडर्स पढ़ा था, था नेक्स्ट डे कोई भी काम होता है जो काम रोजाना होता है डेली रूटीन के साथ होता है मैं जाता हूँ मैं आता हूँ मैं पढ़ाता हूँ मैं खाता हूँ आई गो आई आई कम टेक आई स्लीप बट ही शी इट नेम के साथ हमने verb के साथ एस एंड ई एस का यूज़ किया था ही गोज़ शी कम्स राइट उसके बाद हम बात करेंगे आ, हमने डिड पढ़ा था डिड पढ़ा था कोई भी काम पास्ट में हुआ था वो आई थी वो गई थी मैंने खाना खाया था आ, मैंने उसको बताया था हाँ मैंने उसको फ़ोन किया था तो कोई भी काम आपने सिंपल पास्ट में किया था वहाँ डिड का यूज़ किया एंड उसके बाद हमने विल पढ़ा कोई भी काम होगा मैं जाऊँगा वो आएगी मैं पढ़ाऊँगा या वो पढ़ाएगी आई विल टीच शी विल टीच और आज हम बात करेंगे अबाउट टू तो मैं आपको बताता हूं कि अबाउट टू क्या है बहुत इजी क्लास है सिर्फ एक बार ध्यान से सुनने की जरूरत है उसके बाद में आप प्रैक्टिस में लेके आए आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे अबाउट टू हम बहुत बार बोलते हैं डे टू डे लाइफ में कि कोई काम होने वाला है जैसे पापा आने वाले हैं मैं जाने वाला हूँ बारिश आने वाली है हम इंग्लिश बोलने वाले हैं हम इंग्लिश सीख रहे हैं सो हम इंग्लिश बोलने वाले हैं तो कोई भी काम होने वाला है वह वा हम क्या यूज करेंगे अबाउट टू कैसे यूज करेंगे तो मैं आपको कहूं कि जैसे हम हिंदी में लिखें कोई भी काम होने वाला वाली या वाले बहुत इजी वे है मैं लिखूं आई एम अबाउट टू एक्शन आई एम नॉट अबाउट टू एक्शन एम आई अबाउट टू एक्शन क्वेश्चन मार्क एंड एम आई नॉट अबाउट टू एक्शन बट मैंने लिखने का तरीका बताया बोलने का तरीका बताया मगर हम यूज कैसे करेंगे तो जैसे कि हम मान लीजिए मैं सेंटेंस लिखूं, पापा आने वाले हैं पापा आने वाले हैं मतलब कोई काम होने वाला है मैं कहूं मैं इंग्लिश बोलने वाला हूं तो जैसे देखिएगा पापा आने वाले हैं तो फादर अच्छा फादर के साथ पहले मुझे बताइए सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का प्रेजेंट का तो फादर के साथ इज एम या आर इज फादर इज राइट यू वी दे या फिर प्लुरल के साथ हम आर का यूज करते हैं ना आई के साथ एम का यूज होता है और बाकी इज का यूज होता है प्रेजेंट में तो फादर इज आने वाले हैं कोई भी काम होने वाला है वाली है या वाले हैं okay. फादर इज अबाउट टू कम ये लो पापा आने वाले हैं मैं इंग्लिश बोलने वाला हूं सो so, मैं इंग्लिश बोलने वाला हूँ आई के साथ क्या आएगा एम आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश राइट यस तो मैं कहूँ मैं इंग्लिश बोलने वाला हूँ आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश मैं जानने वाला हूँ आई एम अबाउट टू गो मैं नहीं जाने वाला आई एम नॉट अबाउट टू गो क्या मैं जाने वाला हूं एम आई अबाउट टू गो क्या मैं नहीं जाने वाला एम आई नॉट अबाउट टू गो राइट अच्छा अगर हम इसे पास्ट में कन्वर्ट करें तो मैं जाने वाला था तो हम क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे कैसे चेंज करेंगे मैं जाने वाला था तो वो यूज कर रहे थे पास्ट में आई वॉज अबाउट टू गो मैं नहीं जाने वाला था आई वॉज नॉट अबाउट टू गो क्या मैं जाने वाला था वोज आई अबाउट टू गो क्या मैं नहीं जाने वाला था वोज आई नॉट अबाउट टू गो गिज वो आने वाली होगी होगी फ्यूचर के लिए क्या पढ़ा था विल बी पढ़ा था वो आने वाली होगी शी विल बी अबाउट टू कम कम वो जाने वाली होगी शी विल बी अबाउट टू गो राधा दौड़ने वाली होगी राधा विल बी अबाउट टू रन आ रहा है समझ yeah. कोई भी काम होने वाला है अबाउट टू होने वाला था अबाउट टू होने वाला होगा अबाउट टू चेंज करेंगे टेंस को इज एम आर को वोज वर को विल बी को समझ आ रहा है मैं जाने वाला हूँ आई एम अबाउट टू गो राधा आने आने वाली है राधा इज अबाउट टू तो कम मैं पढ़ाने वाला हूँ आई एम अबाउट टू टीच आ रहा है समझ में यस सो कैन आई रॉबिट थैंक यू So, हम अबाउट टू पढ़ चुके हैं अभी हम पढ़ेंगे गोइंग टू ज्यादा डिफरेंस नहीं है और अगर डीप बात करें तो बहुत डिफरेंस है जिन वाक्यों के अंत में वाला वाली या वाले आते हैं वहां पे गोइंग टू का यूज होता है तो अब सवाल आता है सर आपने अभी तो अबाउट टू बताया था आप कह रहे हैं गोइंग टू हाँ इसमें डिफरेंस है मैं कहूं मैं जानने ही वाला हूं मैं बोलने ही वाला हूं उन्होंने मेरा नाम अनाउंस कर दिया मैं परफॉर्म करने ही वाला हूं मैं परफॉर्म करने वाला हूं कब करने वाला हूं आई डोंट नो एक घंटा भी लग सकता है दो घंटा भी लग सकता है मेरा नाम अनाउंस हो गया मैं परफॉर्म करने ही वाला हूं कोई काम बहुत जल्दी होने ही वाला है जस्ट रिसेंट होने वाला है अभी होने वाला है तो कोई काम होने ही वाला हो वहां हम क्या यूज करेंगे गोइंग टू जहां पर ड्यूरेशन बहुत कम हो कि हाँ ये चीज होने ही वाली है, है। राधा आने ही वाली है अभी फोन किया था रास्ते में थी और अभी मेरे घर का जो डोर है वो नॉक हुआ है 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 आवाज़ आई बाहर से तो वो आने ही वाली है। अरे पढ़ लो पापा आने ही वाले हैं फादर इज गोइंग टू कम वाह ब्यूटीफुल पापा आने ही वाले है फादर इज गोइंग टू कम गोइंग टू को शॉर्ट में कहते हैं गोना सुना होगा गोना गोइंग टू को शॉर्ट में कहते हैं गोना फादर इज गोना कम गोना के साथ टू नहीं आएगा ध्यान रखना स्ट्रक्चर वही रहेगा आई एम अबाउट टू एक्शन आई एम नॉट अबाउट टू एक्शन एम आई अबाउट टू एक्शन एम आई नॉट अबाउट टू एक्शन तो वही स्ट्रक्चर इसमें रहेंगे आई uh, एम Going to action? I am not going to action. Am I going to action? Am I not going to action? Right? I am going to action. I am not going to action. Am I going to action? And am I not going to action? action. मैं इंग्लिश बोलने ही वाला हूं मुझे आने लगी मैं बोलने ही वाला हूं आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक इंग्लिश एम आई गोइंग टू स्पीक इंग्लिश अच्छा इसमें एक सेंटेंस बहुत अच्छा बनेगा कि राधा जाने ही वाली है राधा इज गोइंग टू गो जाने ही वाली है यहां गो का मतलब जाना नहीं है यहां गो का मतलब है कोई काम बस होने ही वाला है इतना समझिएगा बहुत इजी वे है कोई काम बस होने वाला है वर्ब का काम तो एक्शन कर रहा है ना आना जाना खाना पीना बस ये ये बता रहा है कि ये काम जस्ट होने ही वाला है सो so, मैं जाने ही वाला हूं आई एम गोइंग टू गो आई एम गोना गो आई एम गोइंग टू गो शॉर्ट में क्या बोलेंगे गोना आई एम गोना गो राइट सो कैन आई रब रबिट उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे ईगल टू आपने बहुत बार सुना होगा कि मैं सलमान खान से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ किसी भी काम को लेकर हम एक्साइट हैं उत्सुक है कि यार मुझे काम करना है मैं मैं जो है आज घर में पार्टी है आ, मैं उस पार्टी को अटेंड करने के लिए मैं वहां परफॉर्म करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ एक्साइटमेंट मैं कोई काम करने को उत्सुक हूँ इस काम को करने का मेरा बहुत मन है तो जहाँ आप अपना एक्साइटमेंट शो करें हिंदी में कहूँ उत्सुक तो वहां क्या यूज करेंगे ईगर टू एक चीज ध्यान रखना जैसे अबाउट टू कम पास में और फ्यूचर में कन्वर्ट कर पा रहे थे वैसे गोइंग टू को भी कर सकते हैं वो जाने ही वाली थी इतने में ट्रेन निकल गई तो जाने ही वाली थी शी वॉज गोइंग टू गो आ रहा है समझ में जाने ही वाली थी शी वॉज गोइंग टू गो जाने ही वाली होगी शी विल बी गोइंग टू गो गाड़ी हाँ अब बात करते हैं ईगर टू कोई भी काम करने को आप उत्सुक हैं मैं काम करने के लिए उत्सुक हूं मैं जाने के लिए उत्सुक हूं तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा आई एम ईगर टू एक्शन आई एम नॉट ईगर टू एक्शन एम आई ईगर टू एक्शन एंड एम आई नॉट Eager to Action. मैं मिठाई खाने के लिए उत्सुक हूँ आई एम ईगर टू ईट स्वीट मैं मिठाई खाने के लिए उत्सुक नहीं हूं आई एम नॉट ईगर टू आई एम नॉट ईगर टू ईट स्वीट गाड़ीज हाँ क्या मैं मिठाई खाने के लिए उत्सुक हूँ एम आई ईगर टू ईट स्वीट अच्छा मैं पढ़ाने के लिए उत्सुक हूँ आई एम ईगर टू टीच वो पढ़ाने के लिए उत्सुक है अगर लड़की है तो शी और लड़का है तो ही शी इज ईगर टू टीच वो दौड़ने के लिए उत्सुक है ही इज ईगर टू रन आ रहा है समझ सो कैन आई है राबीट एंड द लास्ट वन द लास्ट वन इज विलिंग टू आप किसी भी काम करने को आपकी इच्छा है या इच्छुक है डिफरेंस है दोनों में ध्यान रखना उत्सुक और इच्छुक में बहुत डिफरेंस है बहुत डिफरेंस है है क्या डिफरेंस बहुत डिफरेंस है किसी काम को करने को एक्साइट है मतलब वो काम होना है अब विलिंग तो कुछ भी हो सकती है मेरी इच्छा है मर्सिडीज में घूमने की बट कब मे बी टाइम लगेगा दो साल चार साल पांच साल मेरी इच्छा है मिलीनियर बिलीनियर बनने की मेरी इच्छा है बेस्ट टीचर बनने की मेरी इच्छा है ये बनने की वो करने की मगर इच्छा है तो डिपेंड्स ऑन टाइम ना राइट सो विलिंग टू आप किसी भी काम को करने को इच्छुक हैं हाँ एक चीज हो सकता है रात को उठे यार मेरी कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा है अभी भी हो सकता है ना कि हाँ मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा हो रही है यार सो आई एम विलिंग टू टेक कोल्ड ड्रिंक राइट तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा इसमें भी आई एम विलिंग टू एक्शन आई एम नॉट विलिंग टू एक्शन एम आई विलिंग टू एक्शन एम आई नॉट विलिंग टू एक्शन राइट इच्छाएं अभी भी हो सकती है अभी कोई काम करने की इच्छा मेरी अभी पढ़ाने की इच्छा है और पढ़ाने, है। और पढ़ाने उच्छु को उत्सुक हूं डिफरेंस है एक में एक्साइटमेंट है एक में इच्छा है आई वॉन्ट सो आई आप ये भी बोल सकते हो आई वॉन्ट टू टेक कोल्ड ड्रिंक मैं कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता हूँ बट दिस इज मोर ब्यूटिफुल आई एम विलिंग टू टेक ड्रिंक मेरी कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा, इच्छा है राइट right? मेरी इच्छा थी आई वॉज I willing to take call उससे मिलने की इच्छा थी I was willing to meet her. Right? Uh, मैं मेरी दौड़ने की इच्छा है I am willing to run. आ रहा है समझ आ रहा है समझ हमने आज क्या पढ़ा About to पढ़ा Eager to पढ़ा Willing to पढ़ा And going to पढ़ा कोई काम होने वाला है अबाउट टू मैं जाने वाला हूं आने वाला हूँ किसी काम को लेकर आप उत्सुक है आप यूज करेंगे ईगर टू आई एम ईगर टू टीच किसी काम को आप लेकर उत्सुक है वहीं किसी काम को करने की आपकी इच्छा है आप यूज करेंगे विलिंग टू आई एम विलिंग टू कल मैंने आपको बताया था विल का मतलब क्या होता है याद है विल का मतलब विल फ्यूचर में क्यों यूज करते हैं क्योंकि विल का मतलब इच्छा विल से बना है विलिंग आप किसी काम को करने को इच्छुक है आई एम विलिंग टू डू दिस राइट और गोइंग टू किसी भी काम को जस्ट आप करने ही वाले हैं कोई भी काम जस्ट होने ही वाला है सो थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच